यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें द स्टडी नॉलेज डॉट कॉम, वहां पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, विषय है रसायन विज्ञान का। ठीक है, रसायन विज्ञान में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग को पता है। तो जो ट्वेल्थ पीसीएम एप्लीकेशन सॉल्यूशन है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो ये इसका भाग नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 तक हम इसके पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 8 में कंप्लीट करा चुके हैं, तो हम यहां से 32 क्वेश्चन नंबर 32 से कराना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम 32 में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम लिखिए। ठीक है, जो फैराडे हैं उनके वैद्युत अपघटन का नियम क्या होता है, हमको वही लिखना है। ठीक है, तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम हेडिंग डाल दिए, तो हम लिखे क्या है, ध्यान से देखिए, वैद्युत फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुपात में होता है। ठीक है, तो जो फैराडे का विद्युत अपघट का पहला नियम है, वह नियम क्या है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघट में, ठीक है, जो विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुपात में होता है। यह है फैराडे का पहला नियम, क्लियर है। चलिए तो देखिए, तो दूसरा नियम क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो फैराडे का पहला नियम हमने आपको बता दिया, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम बताया जा रहा है कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा, ठीक है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होती है। ठीक है, यह होता है फैराडे का दूसरा नियम, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि द्रव्यमानों, ठीक है, द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका दूसरा नियम। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो आप इसको अच्छे से यूज नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है, 32 नहीं है, 33 है। ठीक है, ये इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रवाहित करने वाली कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 में है, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए पहले हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड विभव का, तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। ठीक है, तो जब धातु की पत्ती को इसकी स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तथा धातु की पत्ती एवं इसकी
विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? इसके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से। इसमें बताया जा रहा है क्या कि जब धातु की पत्ती को उसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है। ठीक है, तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जब ये धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तब धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के बीच में, ठीक है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 के आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित किया है, आगे इसमें बोला जा रहा था कि इसको जो इलेक्ट्रोड विभव है इसको प्रभावित करने वाले कारकों के, ठीक है, उल्लेख कीजिए। प्रभावित होगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रभावित। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारकों के नाम का उल्लेख करना है। तो आइए देखते हैं इसको कौन कौन कारक है ऐसे जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पे हम हेडिंग डाल दिए हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोड विभव को, ठीक है, प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, मतलब कौन कौन से हैं यही समझते हैं। तो पहला है आपका विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो जो विलयन की सांद्रता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह इसकी विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, धातु की प्रकृति पर। किस पे, जो धातु की प्रकृति है, धातु की प्रकृति का मतलब कि जैसे कि अम्ली है कि क्षारी है कि क्या है, उसके प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है तीसरे पॉइंट में कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति, जो विद्युत अपघट्य की प्रकृति होती है उस पर भी यह क्या करता है, निर्भर करता है। कौन, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो। ठीक है, और चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है कि दाब तथा ताप की परिस्थिति, तो जो दाब और ताप की परिस्थिति होती है इस पर भी यह निर्भर करता है। कौन, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव को क्या कर सकता है, ये प्रभावित करते हैं। ये सब जो हमने चारों पॉइंट आपको बताए हैं ये सब इलेक्ट्रोड विभव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या, चौंतीसवां क्या है, आइए हम इसको समझेंगे अब। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है क्या कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, समझाइए विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझेंगे क्या कि रेडॉक्स विभव कहते किसे हैं। ठीक है, तो किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर, ऐसा सेल होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो एक बार हम आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि किसी सेल में, ऐसा सेल, कोई भी सेल जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं होने पर, जो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं यह होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने पर साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यह होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और बोला जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की दो उपयोगिताएं लिखिए। ठीक है, तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो आइए हम दो अनुप्रयोग लिखेंगे। एक को पहला हमने लिया है क्या
कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न तत्व, ठीक है, निम्न तत्व विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, लवणों के विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, जैसे जिंक, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न तत्व के विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये हो गया इसका पहला अनुप्रयोग। आइए अब दूसरा अनुप्रयोग समझते हैं। तो देखिए दूसरे में क्या बताया जा रहा है, दूसरे में इतना बताया जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से, ठीक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें आयरन से नीचे स्थित धातुओं को ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इसको समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बताया जा रहा है क्या कि प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल क्या होते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम आपको समझाते हैं कि इसमें प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे पहले प्राथमिक सेल। ठीक है, तो पहले प्राथमिक सेल का हेडिंग डाल लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है, जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है। ठीक है, तो जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाती है, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वह प्राथमिक सेल कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे आप टॉर्च में देखते हैं, ठीक है, जो टॉर्च में बैटरी लगी होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पहले आती है तो मार्केट से लेकर आते हैं तो चार्ज होता है, जब उसकी चार्ज खत्म हो जाती है तो हम उसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह एक ही बार चार्ज होकर आता है और वह डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होता है, तो उसे कहेंगे प्राथमिक सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल में अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो हम ले लेंगे क्या, उदाहरण के लिए अगर देखें तो शुष्क सेल ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हम द्वितीयक सेल की बात करें, अगर द्वितीयक सेल क्या होता है तो इसमें समझिए, तो इसमें बताया जा रहा है कि इस सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा उत्क्रमणित हो सकती है, अर्थात कहने का मतलब कि इस सेलों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है, इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, इन सेलों को संचयी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह बताया जा रहा है द्वितीयक सेल क्या होता है, इसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह होता है द्वितीयक सेल। तो अगर हम बात करें एक द्वितीयक सेल की, कि द्वितीयक सेल में हम एग्जाम्पल के लिए क्या ले, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द्वितीयक सेल के लिए। ठीक है, तो द्वितीयक सेल में जो एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, आप उसको देख सकते हैं, तो हमने एक आपको एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 36 है आप में क्या,
निम्नलिखित सेल का ईएमएफ, ईएम का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि कौन सा धन ध्रुव तथा कौन सा ऋण ध्रुव है। सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया और पूर्ण अभिक्रिया भी लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको हम अभी तक बता रहे थे क्या, जो केमिस्ट्री में 12th पीसीएम सोशल एप्लीकेशन में है, इसमें है अति लघुत्री। अति लघुत्री में फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। फर्स्ट है आपका 3 नंबर का, सेकंड है आपका 4 नंबर का। तो ये आज ये पूरा इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है अति लघुत्री का फर्स्ट जो है, इसमें टोटल 36 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको पूरा करा दिया, वो भी कितने पार्ट में, 9 पार्ट में पूरा करा दिया है। अब हम कराएंगे ये सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन है ये हम आपको कल बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।